बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। जी तो जनाब, आज 13 अगस्त की सुबह है और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूं पोर्ट ग्रैंड कराची में। आप में से अक्सरियत लोग तो वहां जा चुके होंगे पहले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स पोर्ट ग्रैंड में अभी तक नहीं गए, मैं उन्हें पोर्ट ग्रैंड का कुछ ओवरव्यू करवा सकूँ। जी तो टिकट हमने परचेज कर लिए हैं और हम पोर्ट ग्रैंड में एंटर हो रहे हैं। सामने आपको आज़ादी शो का स्टेज भी नज़र आ रहा होगा और दाएं जानब एग्जीबिशन में रखी हुई विंटेज कार भी आपको आगे दिखाई देंगी। जी तो जनाब, आज़ादी शो की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी थी और अब हम जा रहे हैं बाएं जानेब यानी कि पोर्ट ग्रैंड की फूड स्ट्रीट की जानेब। फूड स्ट्रीट के स्टार्ट में ही किड्स टॉय शॉप भी है। मैं आपको फूड स्ट्रीट का मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ, वीडियो में आगे चल के मैं आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगी।
नहीं, ड्यू कर दें, स्प्राइट कर दें। अंदर वेट करें यहीं पे? यहीं पे ले ही जाए, ले जाए सर। दो मिक्स शॉट दो। और फिर हम पहुंचे दी ग्रैंड चाय खाना में, और वाकई यहाँ की चाय बेहतरीन थी। स्टेज की राइट साइड पे आपको $1 शॉप भी नजर आएगी।
बहुत ही खूबसूरत सी फॉक्सी कार भी नजर आ रही होंगी। स्टेज से विंटेज कार्स और फिर विंटेज कार से फूड स्ट्रीट के सफर ने हमें काफ़ी थका दिया था, इसीलिए हम अपनी थकान उतारने के लिए दोबारा दी। Thank you.
चीजें आपसे और पूछना चाहता हूँ पाक मीज के हवाले से। पाक मीज आने वाले वक्तों में अब मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान की, सिर्फ कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान, और क्या चीजें सर पाइपलाइन में है जो आप कराची के पाकिस्तान के लोगों को मजीद कुछ गुड न्यूज़ देने वाले हैं, ऐसी कोई चीज है अगर तो प्लीज शेयर कीजिए सर। पहले तो जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं वो सब लोगों के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी सर्विस लेके आए जो लोगों की बेहतरी लेके आए, जिसमें गाड़ी लेने बेचने की जिस आपने बात की कि आसानी हो, जिसमें क्लासिफाइड एड्स हो गए, उसके अलावा इंस्पेक्शन सर्विस हो गई। अब जो एक और प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं जो कि सेलेट फॉर मी के नाम से, उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में थी, उस सर्विस फैसलाबाद में शुरू करें, जिसमें आप अपनी गाड़ी बेचने के लिए परेशानी करनी पड़ती, पार्क पीस की टीम आती है, इंस्पेक्शन करती है, एड लगाती है, वो है। एंड देन देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड पार्क पीस पार्टनरशिप वर्कशॉप, उसमें ये है कि उसमें पायलट वर्कशॉप हमने लाहौर में दो शुरू कर दी, हो गए ये कि सारे बड़े शहरों में आपके पास आपको ये परेशानी नहीं होगी, मैंने गाड़ी मेंटेन करानी है, कहाँ पर जाऊँ, कहाँ मेरा चुनाव लग जाए, ऐसा अच्छा हो जाए। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो ये होगा कि पार्टनरशिप वर्कशॉप जो है वो इंशाल्लाह हम लॉन्च कर देंगे कराची में भी साल और फिर बाकी शहरों में भी। तो दीज आर द प्रोजेक्ट, बाकी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है उनके बारे में कोई भी फीडबैक मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ज़्यादा जो पता
और आखिर में हमने टॉयज़ शॉप से हानिया के लिए कुछ टॉयज़ ख़रीदे। ये फूड स्ट्रीट का नाइट व्यू देख रहे हैं आप। कुछ मसरूफियत की वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा और इसकी वजह से हम फायरवर्क ना देख सके। और ये देखें जनाब, लोग आज़ादी शो देखने के लिए और फायरवर्क देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट के साथ आ रहे हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से हमें जल्दी जाना पड़ा था तो हम जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।